हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू द चैप्टर नंबर 4 ऑफ फ्लेमिंगो। द चैप्टर नेम इज द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप मींस चूहे का पिंजरा। रैट ट्रैप, ट्रैप मींस जानते हो जाल या पिंजरा, और रैट मींस चूहा। द चैप्टर नेम इज द रैट ट्रैप एंड द राइटर ऑफ द चैप्टर इज सलमा लगरलॉफ। सलमा लगरलॉफ वॉज अ स्वीडिश राइटर, मीन्स स्वीडन इज अ कंट्री। स्वीडिश राइटर हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इंटू मैनी लैंग्वेजेस। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। अ बिलीव दैट ही एसेंशियल गुडनेस in a human being can be awakened through understanding and love. This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and the legends of the country. The story is told somewhat in the manner of fairy tale. यहाँ पर राइटर कह रहा है कि ये जो कहानी में उसने लिखी है वो इस तरह की स्टोरी है जैसे परियों की कहानी आपने बचपन में अपने दादा दादी से, अपने माता पिता से सुनी होगी। फेयरी टेल की बात हो रही है, परियों की कहानी की बात हो रही है। उस तरह की स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से सलमा लगरलॉफ ने इसको लिखा हुआ है। लेट्स बिगिन द चैप्टर। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार की बात है, एक ऐसा व्यक्ति था who went around selling, जो चारों तरफ घूम घूम के चक्कर लगाता था। आपने देखा होगा वेंडर्स देखे होंगे, बहुत सारे हॉकर्स देखे होंगे जो कि आवाज़ लगा के अपने सामान को बेचा करते हैं, उनको वेंडर्स और हॉकर्स कहते हैं। अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप ऑफ वायर, इस तरह से बहुत सारे लोग आते हैं आपके मोहल्लों में बहुत सारी चीज़ों को बेचने के लिए, आपके एरियाज में आते होंगे। तो वो व्यक्ति, एक बार की बात है कि वो व्यक्ति अपने तार से, लोहे का जो तार होता है आपने देखा होगा, लोहे के तार से बना हुआ जो पिंजरा होता है चूहे का, उस चूहे के पिंजरे को बेचा करता था, घूम घूम के चक्कर लगाया करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ, और वो उसे अपने आप से, अपने हाथ से बनाया करता था। एट ओड मोमेंट, जब समय उसको मिलता था तो वो तार से इस पिंजरे का निर्माण कर लेता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई बैगिंग इन द स्टोर और एट द बिग फार्म्स, जो भी सामान वो भीख में मांग कर लाता था, दुकानों पर जाता था, फार्म्स में जाता था, लोगों से मांगता था, कुछ कबाड़ डला हो, कुछ पुराना लोहा डला हो, कुछ तार डला हो, कुछ भी डला हो, तो जो भी मांग कर, भीख मांग कर जो भी लाता था, तार से फिर वो पिंजरों का निर्माण करता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली फॉर प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रीस्टोर resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. लेकिन इसका ये जो business था, पिंजरे बेचने का जो business था, ये उसके लिए बहुत ही लाभदायक, profitable नहीं था, जिससे वो अपने जीवन को यापन कर पाए। तो जीवन को यापन करने के लिए और दूसरी चीज़ें भी किया करता था, कि तार पिंजरे से, पिंजरा जो बनाया करता था तार से, वो काम भी किया करता था, साथ साथ ये भीख मांगने का भी काम करता था, और कहीं कहीं चोरियां भी छोटी मोटी कर लिया करता था। तो ये छोटा सा चोर भी था, ये भिखारी भी था, और ये व्यक्ति वेंडर्स और हॉकर भी था। इवन सो हिज क्लॉथ वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर संकन एंड हंगर ग्लीम इन हिज आईज, जबकि उसके जो कपड़े हुआ करते थे वो मैले कुचैले और फटे हुआ करते थे। उसके जो गाल थे वो अंदर को घुसे हुए गड्ढेदार गाल हो गए थे, और उसकी आँखों से भूख नज़र आती थी कि ये व्यक्ति भूखा रहता होगा, पेट भर के खाना भी ना मिलता होगा। आप इमेज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह से उसका ये हुलिया आपके एक दृष्टि, आपके व्यू में किस तरह से ये रचना उसकी बन रही है। No one can imagine how sad the monotonous life can appear to such a vagabond who
प्लॉट्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन। कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकता कि किस तरह से ये व्यक्ति अपनी दुख भरी जिंदगी को, अपनी दुख भरी दास्तां को, जीवन को गुजार रहा था, उसके सामने किस तरह की परिस्थितियां थीं, और वो सड़क पर चलता जाता था, अपने ही दुनिया में खोया रहता था और उबाऊ जीवन को गुजारता रहता था। इस तरह से वो अपने जीवन को यापन करता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। लेकिन एक दिन की बात है, ये व्यक्ति अपने विचारों में, अपनी सोच में खो गया और सोचता है विच रियली सीम्स टू हिम एंटरटेनिंग, और ऐसा विचार उसके माइंड में स्टक करता है, एक ऐसा विचार आता है जिससे उसको एंटरटेन महसूस होता है कि लाइफ जो है एंटरटेनिंग हो सकती है, अच्छी हो सकती है, मज़ेदार हो सकती है। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स। अब इसने जो ये जाल बनाया करता था चूहों का, उसके बारे में सोचना शुरू किया कि ये दुनिया के बारे में सोचना शुरू किया। व्हेन सडनली ही वाज स्टक बाय द आइडिया, जो उसके माइंड में विचार आया, द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, और क्या विचार आया कि पूरा संसार उसके लिए, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस, वॉज नथिंग बट आ रैट ट्रैप। उसने क्या सोचा कि पूरा संसार, चाहे वो सागर हो, चाहे वो नदियाँ हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे पहाड़ हो या झरने हो, सारी की सारी चीज़ें इस संसार की एक पिंजड़ा है। पिंजड़े का काम करता था, उसके माइंड में यही बात आई कि पूरा संसार उसने, उसके माइंड में विचार आया कि पूरा संसार जो है एक पिंजड़े की तरह, एक जाल की तरह है, सारे शहर, सारे गांव, सारे झरने, सारी नदियां, सब कुछ एक रैट ट्रैप है। इट हैड नेवर एक्साइटेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बैट्स फॉर पीपल। इससे पहले कभी वो इतना एक्साइटेड नहीं था अपने काम को लेकर, अपने विचारों को लेकर, लेकिन आज जब उसने ये सोचा कि ये जो संसार है वो भी एक पिंजड़ा है, वो भी एक रैट ट्रैप है, और लोग बहुत एक्साइटेड हैं इसमें फंसने के लिए, जिस तरह से रैट, जिस तरह से चूहे एक्साइटेड होते हैं, उसके अंदर जो भी खाना लगा होता है आपने देखा होगा, पिंजड़े में चले जाते हैं। इसी तरह से मनुष्य भी इस संसार में अपने आप को फंसाने के लिए, अपने आप को उस पिंजड़े में रखने के लिए हरकत करता है, एक्टिविटी करता है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, ये चीज़ें उसे अमीर बनाती हैं, आनंद देती हैं, शेल्टर एंड फूड, रुकने का स्थान देती हैं, खाना देती हैं, हीट एंड क्लॉथिंग, और धूप देती हैं और कपड़े देती हैं, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉट, उसी तरह से जिस तरह से चूहे का पिंजरा चूहे को पनीर या सूअर का मांस या कोई भी मांस या रोटी का टुकड़ा आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, और कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में अपने आप को टेम्प्ट करना चाहता है, अपने आप को आजमाना चाहता है, उसमें आगे बढ़ना चाहता है, टू टच द बैट, वो उस चीज़ को छू लेता है, उस शिकार को छू लेता है, इस संसार में फंस जाता है, इट क्लोज ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और ये संसार उसके लिए एक दिन समाप्त हो जाता है। उसी तरह से जिस तरह से ये पिंजड़े की बात जो राइटर है वो कर रहा है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। कह रहा कोई डाउट नहीं, निसंदेह इस संसार ने, इस दुनिया ने, इस पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, कभी उस पर जो है ये पूरा संसार मेहरबान ना हुआ, कभी लोगों की उस पर निगाह नहीं गई, कभी लोगों ने उसकी मदद ना की। कह रहा वाकई में सारी चीज़ें जो है, इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, और इस तरह से जब लोगों के का नज़रिया, लोगों की जो है नज़र उसके ऊपर ना पड़ी, तो उसका सोचने का तरीका बदल गया, उसकी सोच में जो है दूसरे विचार आने लगे, और उसको आनंद महसूस नहीं होता था। आफ्टर दैट द पोइट सेड दैट इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजर स्नेयर एंड ऑफ द अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बैट। और कह रहे हैं अनेक लोग जो पैदल चलते हैं, जो पेडेस्ट्रियन कहलाते हैं,
पैदल यात्रा करने में, या कह रहे मैंने भी अपना पूरा समय अपने जीवन का इस तरह से लगा दिया, अपना मनपसंद सा काम किया, और मनपसंद काम उसका वही था क्योंकि उसका एक ही काम था रेड ट्रैप को बनाना। अब वो काम पसंद हो या ना पसंद हो, उबाऊ हो या बकवास हो, कैसा भी हो, वो उस काम को किया करता था। कह रहे कि उसके जितने भी नॉन पर्सन थे, जितने लोगों को वो जानता था या जो लोग उसे जानते थे, तो जिन्होंने स्वयं को इस खतरनाक जाल में फंसने दिया था, कह रहे उन लोगों की बात कर रहा है राइटर, कि ये जो स्वयं का ये जो जाल है इस संसार का, और लोग अपने आप को इस जाल में फंसाते हैं, यानी कि वो इस पैसा कमाने के चक्कर में, आनंद लेने के चक्कर में ऐसे संसार में, ऐसी दुनिया में, ऐसे मोमेंट में पहुंच जाते हैं जहां पर वो फंस जाते हैं, यानी स्टक हो जाते हैं, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन कई बार लाइफ में आ जाती हैं, उसकी बात कर रहा है। जिस तरह से एक चूहा जो है रोटी खाने के चक्कर में उस जाल में फंस जाता है, इसी तरह से लोगों को रिचनेस दिखाई देती है, लोगों को आनंद दिखाई देता है, एंजॉय, और वो उसके पीछे उसके चक्कर में चले जाते हैं और अपने आप को स्टक कर लेते हैं संसार में, और वो उनका वहाँ पर फंसना एक दिन उनकी जो है मृत्यु साबित होता है, यानी वो जाल उनके लिए बंद हो जाता है हमेशा के लिए। कह रहा है Let themselves be caught in the danger snare and of other who were still circling around the bed. और अपने आप को वो लोग फंसा देते हैं, और उन व्यक्तियों के बारे में जो अभी भी, वो लोग जो अभी भी उस दाने को ललचा रहे हैं, जो लोग फंस चुके हैं वो अलग है, और बहुत सारे लोग बाहर से ही उस दाने को देख रहे हैं। वो दाना जो कोई वस्तु का है, वो दाना जो चारों तरफ से जो है जिसका जाल बंद है, चारों तरफ लोग चक्कर लगा रहे हैं कि कैसे उस बैट में, उस रेड ट्रैप में फंस जाएं। वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रेजिंग अलोंग द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। एक बार की बात है, एक दिन अंधेरी शाम को ये एक रास्ते से गुजर रहा था, चला जा रहा था, तो इसने एक सड़क के किनारे बसे एक घर को देखा जो कि भूरे रंग का था, एक छोटा सा मकान। उस पर इसकी निगाह गई, उस पर इसकी नज़र पड़ी। रात में रुकना था, आसरा लेना था, कहीं शेल्टर लेना था, अपनी रात गुजारनी थी, तो इसने उस घर में जाकर आसरा मांगा कि मुझे एक रात यहाँ रुकने दिया जाए, मुझे जो है बहुत रात हो चुकी है, मुझे जगह चाहिए सोने के लिए, लेटने के लिए। ही नॉक्ड द डोर, तो इसने वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाया। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड इन स्टीड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। ना सिर्फ उसको घर में रुकने का आसरा मिला, यानी उसको इनकार नहीं मिला, बल्कि उस घर में जो दुखदाई व्यक्ति था, जो बहुत दिन से दुख में था, उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई कि कोई तो ऐसा व्यक्ति आया जो मेरा जो अकेलापन दूर करेगा, मैं उससे बात करूंगा। क्योंकि उस व्यक्ति की ना पत्नी थी ना बच्चे थे, वो बूढ़ा था, उस घर का मालिक अकेला रहता था। इसको पाकर, इस व्यक्ति को पाकर जो रेड ट्रैप बनाया करता था, थीप था और बैगिंग भी किया करता था, इस व्यक्ति को पाकर बड़ा खुश होता है। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति ने आग पर जो है दलिया चढ़ा दिया, आग जला दी, और इसको शाम के खाने के लिए, रात के खाने के लिए जो है इस बर्तन को तुरंत तैयार किया, आग जलाई, और जो अंतिम भोजन होता है रात्रि का, उसके लिए खाना पकाने लगा। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वॉज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर पाइप एंड हिज ऑन। और उसके बाद उसने तंबाकू की जो रोल थी, यानी कि जिसको हम लोग बीड़ी बोलते हैं, सिगरेट भी बोल देते हैं, उसका एक टुकड़ा निकाला और इतना टुकड़ा काटा ताकि दोनों लोग उसको पी सकें, वो अजनबी व्यक्ति भी और वो व्यक्ति उस घर का जो मालिक था, यानी हुक्के के रूप में उसका आनंद ले सकें।
फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड एंड प्लेड एम जॉलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। उसके बाद अंत में उसने ताश की एक गड्डी निकाली और सोने के समय यानी जब तक नींद नहीं आ गई तब तक वो लोग उस गेम को खेलते रहे। आफ्टर डैट What will happen, we will see in the next video. I hope you like the video. If you have any problem, please comment in the comment box. Thank you.